कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो सब बढ़िया। आज हम लोग जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो कल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन आपका है, कमरे के तापमान पर H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों? ठीक है, इनका आंसर कंप्लीट कर लोगे बाबू। अगला क्वेश्चन है, समन्वयी संख्या से आप क्या समझते हैं, इनका भी आंसर क्या कर लेना, आप पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप अंतः संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका भी आंसर जरूर कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन आपका है, आप अंतः संक्रमण तत्व से क्या समझते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, इनका आंसर पूरी ईमानदारी से क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन जो है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जटिल लवण का आईपीएसी नाम दें, यानी इनका जो है क्या करना है, आईपीएसी नाम आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के बारे में बताइए, HIHF से सबल अम्ल है, बतलाना है आपको। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम क्यों है, इनके बारे में बताइए। उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है, इनके बारे में भी बतलाना है। BCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है, ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हुआ सिलिकॉन की संयुक्ता 4 होती है जबकि आपका GeSn तथा Pb की संयुक्ता 2 भी होती है, आखिर क्यों? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन सिर्फ जो है ना NCl3 का निर्माण करता है जबकि फास्फोरस यानी P जो है PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, व्याख्या करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, व्याख्या करें, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना, ठीक है। प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं, H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, बताइए क्यों, ठीक है। PH3 से PH4+ का आबंध कोण का मान ज्यादा होता है, क्यों। NH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है, क्यों। फैन उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित अणुओं इनका हुआ XeF2, XeF4, ठीक है, आपका XeF6, XeO3 की संरचना बनाइए और उनका नाम लिखे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने करा, ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना बाबू कंप्लीट करके कल जाओगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कल के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप क्या करके जाओगे, गंधक अम्ल का निर्माण जो है ना संपर्क विधि द्वारा कैसे होता है, व्याख्या करें, इनको पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लोहा के दो मुख्य अयस्कों का नाम लिखें, इसे अयस्क से प्राप्त करने की विधि संक्षेप में क्या करना है, आपको लिखना है, इनका भी आंसर पूरी ईमानदारी से कंप्लीट करके जाओगे। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है, आयोडीन को समुद्री घास से कैसे प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका Cr3+, Cu+, CO2+, Fe2+, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें, ठीक है, और साथ ही साथ ताम्र धातु के साथ 50% तनु HNO3 की अभिक्रिया को भी लिखे, यानी इनको भी कंप्लीट कर लेना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ इतना ही कर करके जाओगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इन सारे को क्या कर लेना बाबू, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, ठीक है।